और देश के बहुत एक इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में. ओके, सो इन दिस सेशन आई वेलकम एवरी वन ऑफ यू. ओके, गुड आफ्टरनून देवीलाल, सुप्रिया, ओ थैंक यू सुप्रिया, मसूद, विजय सिंह, भूपेंद्र, अमित ग्रेवाल, अंकित, उषा राजपूत, प्रदीप कुमार, दिवम शर्मा, आई वेलकम एवरी वन ऑफ यू इन दिस सेशन टुडे. और आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर को. ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अगर नाम लिया जाए तो ये भी ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर इंडिया एवर हैड. और राजा राम मोहन रॉय के बाद अगर बात करें तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए अगर किसी ने काम किया तो वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही थे. ओके, सो आई वेलकम एवरी वन ऑफ यू इन दिस सेशन. आप सभी लोग जो सेशन में अब लेट आ रहे हैं, निधि, बख्श, बख्श सिंह, रोहित, लिपु नायक, प्रीति लगना, अंशित, शुभम, आई वेलकम एवरी वन ऑफ यू इन दिस सेशन टुडे. और आज के सेशन में हम लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में पढ़ने वाले हैं. ईश्वर चंद्र विद्यासागर अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तब भी मैं आपको बताने वाला हूं कि आज के एग्जाम में ईश्वर चंद्र विद्यासागर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है इस बार पूछा जाना. अब सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इंडियन डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं देन ग्रेट अप डिफेंस चैनल इज द सिंगल डेस्टिनेशन फॉर यू. आप लोग यहां पे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू प्रेस दिस बेल आइकन. बेल आइकन जो दिया गया है उसे जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहे. इसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल डिफेंस एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि सभी सेशंस के डिटेल्ड पीडीएफ आप लोगों के साथ इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए जाते हैं. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद दिस सेशन आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज लाइक दी वीडियो. इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दी वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक एंड व्हाट्सएप. व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी इस वीडियो को जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें. अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से क्वेश्चन इस बार एग्जाम में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है. हम लोग देखते हैं चाहे CDS का एग्जाम हो, NDA हो, AFCAT हो या फिर CAPF का एग्जाम क्यों ना हो, सभी एग्जाम्स में हिस्ट्री से क्वेश्चंस, कोई हिस्टोरिक इवेंट, अगर कोई बर्थ एनिवर्सरी हो, डेथ एनिवर्सरी हो या किसी स्पेशल मूवमेंट का कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही हो तो उस साल सवाल जरूर पूछा जाता है. और ईश्वर चंद्र विद्यासागर हु वॉज बॉर्न इन 1820, उनकी 200th बर्थ एनिवर्सरी इस साल मनाई जाएगी 26 सितंबर 2020 को. तो आपके एग्जामिनेशन में इस बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है. सो दिस सेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू टुडे. अब शुरुआत करते हैं यहां पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में. तो आप देखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ओके, ही वॉज बॉर्न ऑन 26 सितंबर 1820. एट एंड हिज फादर्स नेम वॉज ठाकुरदास बंदोपाध्याय एंड मदर्स नेम वॉज भगवती देवी. तो जब ये पैदा हुए थे उनका नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय रखा गया था और बाद में इन्हें विद्यासागर का टाइटल दिया गया था. विद्यासागर विच मेंट ओशियन ऑफ नॉलेज. तो ये इतने इंटेलेक्चुअल थे, इन्हें इतना ज्ञान था सभी चीजों के बारे में, इसलिए इन्हें विद्यासागर, ओशियन ऑफ नॉलेज का टाइटल दिया गया था. अब उस समय पर बहुत ऐसी सोशल प्रैक्टिसेस थी जैसे चाइल्ड मैरिज, वो प्रिवलेंट थी उसी समय के दौरान. एट द एज ऑफ 14 इयर्स उनकी शादी हो चुकी थी. उसी के अलावा आप लोग देखते हैं कि ही वॉज अ बंगाली संस्कृत स्कॉलर एंड अ सोशल रिफॉर्मर एंड मोर ओवर ही वॉज अ ह्यूमनिस्ट. इन्होंने जितने भी सोशल इल प्रैक्टिसेस प्रिवलेंट थी सबके खिलाफ एक आंदोलन चलाया और सबको एक हिंदू सोसाइटी से रिमूव करने में बहुत अहम भूमिका इनके द्वारा निभाई गई. इसीलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर को माना जाता है कि इस 19वीं शताब्दी के ये सबसे बड़े जो विद्वान लोग माने गए थे, देखे गए, उनमें से एक विद्वान ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी कहा जाता है. आप देखेंगे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर उन्होंने अपने शुरुआती दौर से ही कैसे एक आरंभिक शुरुआत में ही व्हेन ही स्टार्टेड ऑफ विद हिज स्टडीज ही वॉज अ स्कॉलर इन दैट फील्ड एंड ही हैड ऑल्सो फॉट फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री. लोगों के हक के लिए भी इन्होंने लड़ाइयां लड़ी और जो सोशल रिफॉर्म्स की जरूरत थी, सामाजिक और धार्मिक स्तर पर जो सभी रिफॉर्म्स की जरूरत थी उनके लिए भी इन्होंने बहुत आगे बढ़ चढ़कर आंदोलन चलाए गए. अब यहां पर अगर हम देखते हैं एजुकेशन के बारे में तो 1839 में ही अटेम्प्टेड अ संस्कृत नॉलेज टेस्ट.
ठीक है, एक इन्होंने संस्कृत नॉलेज टेस्ट जो है, संस्कृत का एक टेस्ट कंडक्ट किया गया, और जब उसमें इन्होंने एक बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, और उसी के साथ साथ इन्होंने अपनी पढ़ाई में जब अलग अलग सभी विषयों में, वेदर इट वॉज वेस्टर्न स्टडीज ओके और संस्कृत ओके, ही हैड परफॉर्म्ड इन अ वेरी गुड मैनर, जिसके लिए इन्हें विद्या सागर का टाइटल दिया गया एंड ही वॉज कंसिडर्ड द ओशियन ऑफ नॉलेज ओके। तो आप लोग देखेंगे कि ये एजुकेशनिस्ट जो थे वो भी रहे, और 21 साल की उम्र में ओके ही वॉज अपॉइंटेड एज द हेड पंडित इन द फोर्ट विलियम कॉलेज इन कैलकटा ओके। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कैलकटा में, उसके लिए भी आप ये देखते हैं कि वहां भी हेड पंडित जो थे वो यहां पर अपॉइंट कर दिए गए थे, जिसके बाद 1851 में ही बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज इन बंगाल। तो आप देख सकते हैं कि जो एजुकेशन के मूवमेंट थे, ये वो खुद भी एक एजुकेशनिस्ट थे, और उसी के साथ साथ उन्होंने एजुकेशन के लिए भी देश भर में बहुत काम चलाया गया ओके। अब यहां पर अगर हम देखें, सबसे ज्यादा जो इनका नाम लिया जाता है, दैट इज फॉर दी सोशल रिफॉर्म्स, और सोशल रिफॉर्म्स में आप ये देख सकते हैं कि एक अपर कास्ट ब्राह्मण होने के बावजूद वो ब्राह्मणिकल मोनोपोली जो थी, जो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी थी, उसके खिलाफ इन्होंने काम करना शुरू किया। वो ये समझ चुके थे कि अगर एजुकेशन की बात की जाए, अगर शिक्षा की बात करी जाए, देन इट शुड नॉट बी गवर्न्ड मियरली बाय कास्ट, क्रीड और रेस। ठीक है, किसी भी प्रकार से कास्ट के हिसाब से लोगों को एजुकेशन पाने से रोका नहीं जा सकता ओके। एंड ही वॉज डिटरमिंड टू ब्रेक दिस प्रीस्टली मोनोपोली, जो उस समय पर रिलीजियस इंटरप्रिटेशन सिर्फ पंडित पुजारियों के द्वारा किया जाता था, उस प्रथा को भी वो बदलना चाहते थे। और जब वो संस्कृत कॉलेज में आ चुके थे, देन ही ओपन्ड द संस्कृत कॉलेज फॉर द नॉन ब्राह्मण्स ऑल्सो ओके। उस समय में हम देखते हैं कि संस्कृत जो एक काफी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज मानी जाती थी, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज माने जाने के साथ साथ उसके जो शिक्षा का अधिकार था वो भी सिर्फ अपर कास्ट ब्राह्मण्स जो है उन्हें ही दिया गया था। संस्कृत कॉलेज में पहुंचने के बाद ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने ये जो रीतियां चल रही थी, ऑल दीज प्रैक्टिसेस, ही स्टार्टेड डिसकंटिन्यूइंग ऑल दीज प्रैक्टिसेस ओके। एंड ही इंट्रोड्यूस दी वेस्टर्न थॉट्स। वेस्टर्न थॉट्स का मतलब था कि एक रेशनैलिटी, लॉजिक, इसे ये यहां पर अपनी टीचिंग का हिस्सा लेकर आए थे, और वो जानते थे कि जब तक संस्कृत को आम लोगों तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक संस्कृत को का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, एंड दिस वॉज नेसेसरी फॉर टू ब्रिंग आउट संस्कृत फ्रॉम दी सेल्फ आइसोलेशन दैट वॉज इम्पोज अपॉन दी संस्कृत लैंग्वेज ओके। तो संस्कृत लैंग्वेज की जो किसी भी प्रकार से वो एक आइसोलेटेड लैंग्वेज के तौर पर देखी जा रही थी, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो थी उसे फॉलो नहीं कर रही थी, उसे बढ़ावा देने में, डेवलपमेंट के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओके। एज एन एकेडमिशियन ही इवॉल्व्ड अ न्यू मेथडोलॉजी टू टीच संस्कृत। संस्कृत को पढ़ाने के लिए इन्होंने नई मेथडोलॉजी लेकर आए, एक जो नई प्रोज और प्राइमर्स जो है वो भी इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। मोर ओवर व्हेन ही वॉज देयर इन द संस्कृत कॉलेज, माइकल मधुसूदन दत्त ही गेव हिम द टाइटल ऑफ दयासागर। दयासागर क्योंकि यहां पर ह्यूमनिस्ट माने जाते थे, वो जितने भी सोशल इल्स प्रैक्टिस चल रहे थे, उन सभी सोशल इल्स को सोसाइटी से खत्म करना चाहते थे। सामाजिक कुरीतियां जो यहां पर चल रही थी समाज में, उन्हें हटाकर सभी लोगों को बराबरी का मौका देना चाहते थे। तो आप देखेंगे, चाहे सोशल रिफॉर्मर्स आप उनकी अगर बात करी जाए, उसमें राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के साथ साथ देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने एक होलिस्टिक, एक इक्वल इगैलिटेरियन सोसाइटी स्थापित करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। आप देखेंगे बंगाल का जो पूरा इलाका था, जो उस समय पर लार्जेस्ट प्रोविंस इन इंडिया था, वहीं पर इन्होंने सारे अपने जो मूवमेंट थे, अपने जो आंदोलन थे वो शुरू किए गए, ताकि यहां पर लोगों को ये सोशल इल्स से बाहर निकाला जा सके, और एक इगैलिटेरियन, एक सामाजिक, जो एक जो समाज है वो बराबरी का समाज स्थापित किया जा सके। बट ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर हम बात करें, तो उनका सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है विमेन राइट एक्टिविस्ट के तौर पर। और अगर विमेन राइट के आप के तौर पर देखेंगे, चाहे विडो रीमैरिज रहा हो, चाइल्ड मैरिज रहा हो, इन सभी के खिलाफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सिंगल हैंडेडली मूवमेंट को लीड किया गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आप सेशन में मैं आपके साथ काफी डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, तो आप काफी कैंडिडेट जो सेशन में लेट आए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक दी सेशन। सेशन को आप जल्दी से लाइक करें और सेशन को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ साथ। मैं आपको काफी डिटेल में बताऊंगा यहां पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर और उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था ओके।
आप सभी लोगों के जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, मैं सेशन के एंड में आप सभी के डाउट्स लूंगा, उसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आपके सभी डाउट्स को रिप्लाई करा जाएगा। ओके सो यहाँ पर कैंडिडेट आ चुके हैं, हेलो अभिनंदन जी, लिपु, शिव कुमार, ठीक है, आप प्लीज डू वॉच द वीडियो। ओके अब यहां पर अगर विमेन राइट एक्टिविस्ट के बारे में बात करें तो यहां पर इन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इन्होंने विडो रीमैरिज के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया। ठीक है, यहां पर एक समय में आप ये देखते हैं दी विडोज दे वर नॉट कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, ठीक है, और उन्हें माना जाता था दैट दे वर नॉट गुड, दे विल नॉट ब्रिंग गुड फेथ। ओके यहां पर कहा जाता था जो विधवाएं थी, ठीक है, उन्हें शुभ नहीं माना जाता था, उन्हें अपशगुन के तौर पर देखा जाता था। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने यह मूवमेंट जो है चलाया, विडो रीमैरिज के लिए मूवमेंट चलाया, और इन्होंने अपने इकलौते बेटे जो थे उनकी भी शादी एक विडो से ही कराई गई। ठीक है, जिसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि इनका जो आंदोलन देश भर में चलता रहा, उस आंदोलन के बाद, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी दैट वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड विद दैट मूवमेंट। ओके और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो थे, ठीक है, उसके तौर पर आप ये देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी उसने विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में पास कर दिया था। ठीक है, जिसे आप लोग देखते हैं कि एक 15th गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1856 के तौर पर भी देखा गया। ओके इन्हीं के आंदोलन रहे थे, इन्हीं के मूवमेंट रहे थे जिसके साथ साथ विडो रीमैरिज जो थी उसे यहां पर शुरुआत किया गया, उसे इनिशिएट किया गया और महिलाओं के लिए उन्होंने अपने जो आंदोलन थे वो चलाए रखने जारी रखे। तो चाहे विडो रीमैरिज रहा हो, चाहे चाइल्ड मैरिज रहा हो, इसके अलावा इन्होंने विमेन एजुकेशन के लिए सबसे बड़े अगर कोई कंजर्वेशनिस्ट या एक मूवमेंट लीडर के तौर पर देखा गया देन ही वॉज दी वन हु फॉट फॉर देम। ठीक है, विमेन राइट्स के लिए, विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए, विमेन एजुकेशन, इन सभी चीजों के लिए इन्होंने यहां पर बढ़ावा देना शुरू किया। जब इन्होंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने शुरुआत में 1846 में जब इन्होंने संस्कृत कॉलेज असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पर ज्वाइन किया था तभी से इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बदलने की शुरुआत कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद ये 1851 से 1858 तक संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल रहे एंड ही ब्रॉट आउट अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द रीजन। ओके अब यहां पर अगर हम बात करें, इसके बाद एजुकेशन रिफॉर्म्स जो इन्होंने लड़कियों के लिए लेकर आए, जो महिलाओं के लिए लेकर आए, उससे पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहना शुरू कर दिया था दैट एवरीवन इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट जेंडर हैड दी राइट टू एजुकेशन। उनका मानना था कि चाहे कोई भी कास्ट रही हो, जेंडर हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो, सभी को शिक्षा का बराबरी का अधिकार है। और इन्होंने जो संस्कृत कॉलेज जो अभी तक सिर्फ अपर कास्ट ब्राह्मण्स के एक पार्टिसिपेशन के तौर पर देखा जाता था, वहां पर लोअर क्लासेस, डिप्रेस्ड क्लासेस जो थी उन्हें भी एडमिट करना शुरू कर दिया था। उसी के अलावा आप लोग देखेंगे इन्होंने यहां पे जो जनरल पॉपुलेशन थी, जो डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, उन्हें हमारे जो वैदिक टेक्स्ट रहे उसी उन्हीं के एग्जाम्पल देकर उन्हें समझाया गया कि आप लोगों के धर्म में, आपके जो वैदिक टेक्स्ट है उसमें इन सभी चीजों का विरोध किया गया है। दी गॉड ऑल्सो वॉन्टेड दी पीपल टू लिव इन अ हारमोनियस मैनर। तो एक हारमोनियस सोसाइटी एस्टेब्लिश करने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरुआत से ही आंदोलन जो थे जारी रखे गए। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने हुगली, मिदनापुर, नादिया डिस्ट्रिक्ट जो थे बंगाल में, वहां पर 20 से ज्यादा मॉडल स्कूल्स जो थे वो उनके द्वारा स्थापित किए गए। और आप देखेंगे जो मंथली एग्जाम्स के सिस्टम लाए जाते हैं, ठीक है, और ब्रिटिश एरा में समर वेकेशंस की जो शुरुआत की गई थी वो भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा ही सबसे पहले बंगाल में शुरुआत की गई थी। ओके तो आप देखेंगे कि इन्होंने, चाहे समर वेकेशंस की बात रही हो, उसके अलावा आप लोग देखेंगे जहां पर फीस माफी की बात रही थी, डिप्रेस्ड क्लासेस, अनटचेबल्स के लिए फीस माफी की इन्होंने शुरुआत करी थी, और इंडिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में संडे को हॉलिडे के तौर पर, मतलब वीकली एक हॉलिडे की जो शुरुआत की गई वो भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा ही शुरुआत की गई थी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो एक आंदोलन रहा था उस आंदोलन को उन्होंने एक 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 आप ये देख सकते हैं एक सभ्य तरीके से इंटेलेक्चुअल क्लास जो थी लोगों में अवेयरनेस पैदा करके, लोगों को जागरूक करके यहां पर शुरुआत की गई। उसके साथ साथ संस्कृत लैंग्वेज रही हो, बंगाली लैंग्वेज रही हो, सभी के लिए इन्होंने अपने जो एफर्ट्स थे वो हमेशा जारी रखे। ओके अब
यहां पर आप लोग देखेंगे कि जो विमेन एजुकेशन की बात की जाए, जो एक जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन चल रहे थे उसे खत्म करने के बाद, ओके, ही वेंट डोर टू डोर रिक्वेस्टिंग द हेड ऑफ ऑल द फैमिलीज टू अलाउ देयर डॉटर्स टू बी एनरोल्ड इन द स्कूल. ओके, अब यहां पर अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन, विमेन एजुकेशन के बारे में देखें, तो पुरानी जो सभ्यता रही थी वहां पे लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था. ठीक है, अंग्रेज जो थे उनके भी आंदोलन चल रहे थे, जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स भी यहां पर ऐसी एक्टिविटीज कर रहे थे वेस्टर्न एजुकेशन, विमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए. बट हमारी जो एक बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी रही, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी रही, उस सोसाइटी को हमेशा ये लगता था कि ये एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर डाले जाने की कोशिश की जा रही है. यहां पर राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सभी ऐसे रिवॉल्यूशनरीज रहे जहां जिन्होंने एक जनरल पॉपुलेशन को, एक जो आम जनता थी, उन्हें भरोसा दिलवाया कि ये डेवलपमेंट के लिए जरूरत है, ये डेवलपमेंट के लिए स्टेप्स, कदम उठाए जा रहे हैं. ओके, He opened 35 schools for women throughout the Bengal and in the initial phase itself, he was successful in enrolling above 1300 students. ओके, 35 से ज्यादा स्कूल महिलाओं के लिए शुरुआत करी गई और उसमें शुरुआती दौर में ही, स्टार्टिंग में ही 1300 से ज्यादा महिलाओं को इन्होंने यहां पर एडमिशन दिलाया गया. इन्होंने विमेन एजुकेशन के लिए एक नारी शिक्षा भंडार फंड ये भी शुरू किया गया, जहां पर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ साथ ये इस चंदे, इस पैसे का इस्तेमाल जो था वो विमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, स्कूल्स को डेवलप करने के लिए किया जा रहा था. ओके, अब इसी के साथ साथ आप ये देखेंगे, इन्होंने जेई डे बथुने जो थे, जिन्होंने पहला विमेन एक यूनिवर्सिटी सेटअप करी थी, उनके साथ मिलकर इन्होंने फर्स्ट परमानेंट गर्ल स्कूल जो है वो बंगाल में शुरुआत की गई. पहला एक स्कूल जो था लड़कियों के लिए वो शुरुआत की करवाई गई, और जेई डे बथुने के साथ इन्होंने मिलकर एक जो विमेन एजुकेशन थी, विमेन एम्पावरमेंट का, उसके लिए काम करना जारी रखा. तो आप देख सकते हैं कि एक जो एजुकेशन रिफॉर्म्स थे, ये एजुकेशन रिफॉर्म्स कहीं भी इन्होंने कम नहीं होने दिए. तो अभी तक हमने सेशन में देखा कि कैसे सोशल रिफॉर्म शुरू किए गए, एजुकेशन रिफॉर्म शुरू किए गए, और इन्हीं के जो अनटायरिंग एफर्ट्स रहे थे, बिना थके इन्होंने सिंगल हैंडेडली महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए जो काम किया, उसी के बाद ये विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में पास कर दिया गया था. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक लोगों को जागरूकता पैदा कर अवेयरनेस क्रिएट करने के साथ साथ इन्होंने अपने लड़के, इनका एक ही बेटा था नारायण चंद्र बंदोपाध्याय, उन्हें भी एक आप ये देख सकते हैं कि एक एल्डरली विडो जो थी उनसे शादी कराई गई थी. तो इन्होंने हमेशा, ही ऑलवेज लेड द सोसाइटी विद एन एग्जाम्पल, और हमेशा शुरुआत से ही इन्होंने जो सोसाइटी थी, जो समाज थी, उसे लीड किया गया. अब इन्हीं के साथ साथ अगर हम इनके लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए, तो इन्होंने सबसे पहले एक किताब लिखी, वर्ण परिचय यहां पर लिखी गई, जहां पर इन्होंने बंगाली लेटर्स जो है, आप आज के समय में भी अगर कोई भी व्यक्ति बंगाली भाषा सीखने की कोशिश करता है, तो ये वर्ण परिचय पहली ऐसी किताब है जो उन्हें दी जाती है. ओके, इट इज द मोस्ट बेसिक बुक टू स्टार्ट लर्निंग द बंगाली लैंग्वेज, बंगाली भाषा को याद करने के लिए सबसे बेसिक किताब, बुक के तौर पर इस्तेमाल की जाती है. उसी के अलावा आप ये देखेंगे, इन्होंने सोम प्रकाश जो था, ठीक है, ही स्टार्टेड सोम प्रकाश न्यूज़पेपर के भी ये एडिटर रहे, एंड ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंडिगो मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेजों के खिलाफ इंडिगो मूवमेंट जो था वो भी चलाए. विधो विवाह इन्होंने किताब लिखी, जो विडो रीमैरिज और विडो रीमैरिज के जो रेपरकशन थे सोसाइटी में, वहां हाईलाइट किया गया, और उन्हें हटाने के लिए इनके कैसे आंदोलन, इनका जो मूवमेंट चला, उसे हाईलाइट किया गया. बहुविवाह इन्होंने किताब लिखी, अगेंस्ट पॉलीगैमी. ओके, पॉलीगैमी का मतलब होता है मैरिंग मल्टीपल पार्टनर्स. ओके, उस समय पर वहां पर देखा गया था कि कुछ ऐसी सोसाइटीज थी, ठीक है, उन्होंने एक ये सोशल कस्टम जो था वहां देखा गया कि कुछ ऐसे भी फेजेस देखे गए जहां पर अपर कास्ट लोग जो थे वो 7 से 8 शादियां कर रहे थे. ठीक है, वो 7-8 शादियां कर रहे थे, एंड दे ऑल्सो मैरिड द टीनेज गर्ल्स. ओके, इसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन शुरू किया. उसके बाद जो इनका आंदोलन रहा था, जो विडो रीमैरिज के बाद, उन्होंने कहा कि हस्बैंड की डेथ होने के बाद दी मिजरीज शुड नॉट बी इन्फ्लिक्टेड अपॉन दी वाइफ. ठीक है, एक जो कम उम्र की महिला है उसके, उसे फिर एक सोशली उसका बॉयकॉट नहीं किया जाना चाहिए. एंड ही वॉज दी वन हु
स्टार्टेड द कल्चर ऑफ नॉट यूजिंग व्हाइट साड़ीज अमंग्स द लेडीज, जो विडोज थी उनके बीच में, विधवाओं के बीच में सफेद साड़ी जो पहनी जाती थी उसे भी खत्म करने की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी. ओके, ही ऑल्सो रोट द बुक बाल्य विवाह. ओके, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ इन्होंने बाल्य विवाह जो थी वो किताब लिखी. ठीक है, यहां पर काफी कैंडिडेट्स के डाउट आ रहे हैं तो अब मैं आपको बताऊंगा. जेईडे बथुने वॉज इज अ नेम. ओके, जेईडे बथुने इज अ नेम. ठीक है, जिन्होंने देश में सबसे पहले एक विमेन यूनिवर्सिटी, विमेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया. ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि इनके लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ साथ अगर बात करी जाए तो यहां पर इनके एक सोसाइटल कॉन्ट्रीब्यूशंस जो थे वो भी बहुत ज्यादा रहे. और इन सभी मूवमेंट की वजह से आप ये देख सकते हैं कि यही जो क्रांतिकारी रहे थे इन्हीं की वजह से आज इंडियन सोसाइटी जो है वो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी के तौर पर स्थापित हो चुकी. स्थापित होने के साथ साथ वो आगे बढ़ पाई. इसी के अलावा आप लोग देखेंगे कि उपकार मोनिका और व्याकरण कौमुदी जो है, ठीक है, वो संस्कृत की एक बेसिक टेक्स्ट बुक के तौर पर लॉन्च की गई. ठीक है, संस्कृत के बेसिक टेक्स्ट बुक तो आप देखेंगे, चाहे संस्कृत लैंग्वेज रही हो, बंगाली लैंग्वेज रही हो, एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात रही हो, उन सभी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उसकी शुरुआत की गई. ओके, सो दीज वर ऑल दी एक्टिविटीज, दीज वर ऑल दी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर. आपके आप लोगों के एग्जाम में कई बार डायरेक्ट बुक्स एंड ऑथर्स पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स में आप लोग देखेंगे कि यहां पर आपका चाहे सीडीएस एग्जाम रहा हो, सीडीएस एग्जाम में अभी थोड़े ही समय पहले यहां पर सोम प्रकाश बुक जो थी वो पूछी गई थी. ठीक है, और बहुविवाह इनकी एक फेमस बुक रही थी, विच वॉज अगेंस्ट दी पॉलीगेमी विच वॉज प्रिवेलेंट इन दी सोसाइटी. इन सभी प्रैक्टिसेस के साथ साथ आप ये देख सकते हैं इन सभी प्रैक्टिसेस को यहां प्रमोट किया गया. प्रमोट करने के साथ साथ इन्होंने लोगों में अवेयरनेस और एजुकेशन क्रिएट की गई सो दैट दे वुड फाइट अगेंस्ट ऑल दीज इविल्स विच वर एग्जिस्टिंग इन दी सोसाइटी. ओके, अब यहां पर आप देखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हु वॉज बॉर्न इन सेप्टेंबर 26, 1820, ही डाइड ऑन जुलाई 29, 1891. ओके, और जो एजुकेशन के इनके रिफॉर्म्स रहे थे उनका ये मानना था दैट दी एजुकेशन डज नॉट ओनली मीन लर्निंग रीडिंग राइटिंग और अरिथमेटिक. ओके, इट शुड प्रोवाइड अ कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज टू दी सोसाइटी. ठीक है, एक जो कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज है सोसाइटी में उसकी शुरुआत, वो जब तक वो प्रमोट नहीं होगी, ठीक है, आप सोसाइटी के साथ जेल नहीं कर पाएंगे, देन देयर इज नो यूज ऑफ यू बीइंग एजुकेटेड. ओके, सो ये सारी चीजें जो रही थी ये आप लोग देखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरुआत की गई थी. आपके अभी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. बताइए आपके क्या डाउट्स हैं, उसके बाद में आपको एक और इंपॉर्टेंट न्यूज बताने वाला हूं. बताइए व्हाट आर योर डाउट्स रिलेटेड टू ईश्वर चंद्र विद्यासागर. आपने देखा कि यहां पर क्या क्या इन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स इनके द्वारा लाए गए, एजुकेशनल रिफॉर्म्स के साथ साथ सोशल रिफॉर्म्स की इन्होंने क्या शुरुआत करी. ऑल दीज थिंग्स दे वर लेड बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर सिंगल हैंडेडली. ही वॉज दी वन हु वॉज लीडिंग देम. ओके, अब आप सभी एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट टूडे एट 4 PM आज 4 बजे ग्रेड अप डिफेंस चैनल पर विल बी कमिंग अप विद अ स्पेशल सेशन ऑन दी नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड व्हाट आर दी स्क्वाड्रन्स इन दी नेशनल डिफेंस एकेडमी. नेशनल डिफेंस एकेडमी में क्या क्या स्क्वाड्रन्स हैं, ये सेशन लेके आपके लिए आज शाम को 4 बजे आने वाले हैं अक्षय बडूला सर, हु हैज बीन एन एक्स एनडीए कैडेट, जो खुद एक एक्स एनडीए कैडेट रह चुके हैं, वो आपके लिए ये सेशन लेकर आएंगे. ओके, दिवम राजा राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने सती प्रैक्टिस के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, वेर एज ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही वॉज फाइटिंग फॉर विडो रीमैरिज एंड दी एजुकेशनल रिफॉर्म्स फॉर वुमेन. ओके, आप सभी के साथ ये टॉपिक्स डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे जहां पर एनडीए 2020 एग्जाम जो आपका 6 सितंबर को एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, आप लोगों के लिए एक एक्सप्रेस कोर्स हम लोग लेकर आए हैं. ठीक है, इन दिस एक्सप्रेस कोर्स दिस इज अ 50-day कोर्स विच विल हेल्प यू टू क्रैक दी एनडीए एग्जाम. ओके, विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 6 सितंबर 2020. ये कोर्स ये आपके लिए एक 50-day स्टडी प्लान के तौर पर लाया गया है. सभी क्लासेस यहां पर लाइव और रिकॉर्डेड सेशन के माध्यम से कवर की जाएंगी. आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए वीकली असेसमेंट और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लाए जाएंगे. इन दी एंड मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे विद डिटेल्ड एनालिसिस टू फाइन ट्यून योर प्रिपरेशन एट दी लास्ट मोमेंट. ओके,
ये कोर्स आपको ऑफर करता है 175 प्लस लाइव क्लासेस, 4500 प्लस वीकली प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड 150 प्लस पीडीएफ्स फॉर योर फाइनल मिनट रिवीजन। इसी के साथ साथ आप देखेंगे इस कोर्स में 40 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको कराए जाएंगे और प्रीवियस ईयर पेपर्स का डिस्कशन भी लाया जाएगा। दिस कोर्स विल बी टॉट टू यू बाय एक्सपर्ट फैकल्टी विद डेकेड्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ओके, नाउ आकाश रणदेव सर, ओके, ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ फ्यू ऑफ योर सब्जेक्ट्स ऑफ जनरल नॉलेज। ओके, और इन्होंने पिछले 5 साल में ही हैज मेंटर्ड मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स। विक्रांत कथूरिया सर विद एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 19 ईयर्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश फॉर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर इंग्लिश। और उनके साथ मैं भी आप लोगों के डिफेंस अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट्स की मैं आपको तैयार करने में आपकी हेल्प करने वाला हूँ, एंड आई हैव बीन मेंटरिंग डिफेंस एस्पिरेंट्स फॉर मोर देन 5 ईयर्स। इसी के अलावा हम लोग देखते हैं अमनदीप सर एंड शिव सागर सर, दे विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर जनरल नॉलेज। अक्षय बडूला सर हु हैज बीन एन एनडीए कैडेट, ही विल बी आल्सो मेंटरिंग यू इन सम ऑफ योर सब्जेक्ट्स ऑफ जनरल नॉलेज। ओके, तपेश सक्सेना सर जिन्हें 14 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स पढ़ाने का कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर मैथमेटिक्स। ओके, सो आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस सेशन टुडे। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दी वीडियो, ओके, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दीज कोर्सेज। ये कोर्सेज आपको प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं, और उसी के साथ साथ आपका जो सपना है टू ज्वाइन दी आर्म्ड फोर्सेज एज एन ऑफिसर, दिस कोर्स विल हेल्प यू टू अचीव दैट ड्रीम। सो कैंडिडेट्स, प्रेप स्मार्ट, स्टडी सेफ, गो ग्रेड अप। जय हिंद।